रामा राज दरबार में महाराज श्री कृष्णदेवराय के सामने कोतवाल पर चोर होने का आरोप लगाता है। बड़ी चतुराई के साथ रामा इस बात का प्रमाण भी देता है और कोतवाल की जेब से सौदामिनी की नथ भी निकालता है। ये देख महाराज कोतवाल को मृत्यु दंड देते हैं। कोतवाल को नगर के सामने लाया जाता है, जहां रामा कोतवाल को मल्लू देवा बोलकर संबोधित करता है और मल्लू देवा के अभिमान को जानबूझकर ठेस पहुंचाता है। देखो भाइयों, इसी ने मचाया था आतंक, इसने, इस घटिया चोर ने। क्या कहता था ये चोर? हवा हूँ, सब जगह रहता हूँ, पर किसी के हाथ नहीं आता। अब आगे। क्या कह रही है? उठा लो। अच्छा, अरे अपने संस्कारों की अर्थी उठा लो, जो तुमने पहले से तैयार करके रखी है। ये कह रही है? नहीं, मैं कह रही हूँ। ये तो कह रही है तुमने जो किया है उसे प्रतिशोध कहते हैं, और इनके संस्कारों में प्रतिशोध लेना पाप है। क्या यही मेरे संस्कार हैं? तुम्हारे नहीं, इनके। कह रही है कि अपने प्राण बचाने के लिए किसी निर्दोष को फांसी पर लटका दो। इस पाप का कलंक जन्मों जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। अगले जन्म में हम पशु की योनि में पैदा होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोतवाल को बच जाएगा वो। उठा लो। अच्छा, अरे शपथ उठा लो कि आप सिर्फ सच बोलेंगे। शारदा, सब जानते हैं कि रामा कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, तो फिर आप कोतवाल को बचाएंगे कैसे? मैं नहीं, स्वयं असली चोर बचाएगा उसे। तो फिर आप चोर को ढूंढेंगे कैसे? अरे उसे पकड़ने की आवश्यकता क्या है, वो तो स्वयं चलकर यहाँ आने वाला है। इतना ठेस पहुंचाया है मैंने उस अहंकारी चोर मल्लू देवा के अहंकार को कि उसे आना ही पड़ेगा। अरे वो घमंडी चोर अपने घमंड पर इतना बड़ा आघात कैसे सहन करेगा? जरूर आएगा शारदा, वो जरूर आएगा। तू इतना आश्वस्त कैसे है रामा कि मल्लू देवा आएगा ही? अरे मैं आश्वस्त नहीं हूँ बंधु, बस इन्हें आश्वस्त कर रहा हूँ। मैंने तो अपना काम कर दिया है, अब आशा करता हूँ कि मेरा तीर सही निशाने पर लग जाए बस। और अगर तीर निशाने पर नहीं लगा और मल्लू देवा नहीं आया तो? तो क्या तेरा और मेरा दुर्भाग्य? यही है वो, चलो इसे उठा कर लेके चलो। हाँ चलिए डॉक्टर जी, चलो चलो। अरे क्या कर रही है? पूछ रही है कहाँ ले जाने आए हो इन्हें। कौन है ये? ये मेरी माँ है। और ये कौन सा साबुन, क्या इस्तेमाल करती है? क्यों डाकू जी? नहीं नहीं, मतलब इनकी त्वचा से इनकी उम्र का पता ही नहीं चलता। ओ, नहीं 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 नहीं, ये जो इनके बगल में खड़ी है ये मेरी माँ है, और इनके बगल में जो खड़ी है ये तो मेरी धर्मपत्नी है। पूछ रहे हैं कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? अगवा करना है इनको। ये तो हम पहली बार देख रहे हैं कि एक माँ अपने बेटे के अगवा होने में इतनी खुश हो रही है, नृत्य कर रही है। खुश हो रही है? खुश नहीं हो रही है तो फिर ये नृत्य क्यों कर रही है? अम्मा नृत्य नहीं कर रही है, चेतावनी दे रही है कि अगर इनके पुत्र को किसी ने हाथ भी लगाया तो टांग तोड़ कर रख देंगी। उठा लो। अरे उठाई तो रहे हम इनसे, हमारे पति से कह रहे शास्त्र बहुत हो गए, अब शास्त्र उठा लो। अरे क्या कर रही हो शारदा? अम्मा जाने दो मुझे इनके साथ, उसी में मेरा लाभ है। इनके साथ जाने के लिए तो मैंने ये सब किया है। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम देखते हैं इन्हें हाथ कौन लगाता है। अरे एक क्षण डाकू जी, लगाने दो हाथ, होने दो मुझे अगवा। मैं तो चाहता हूँ कि मुझे अगवा करें। डाकू जी इन्हें छोड़िए, अब मुझे लेके चलिए। हम ऐसा नहीं होने देंगे, उठा लो। अब क्या उठाऊं? हिम्मत है तो उठा के दिखा। क्या कर देगा? तोलाम तोलाम तोलाम
तोलाम तोलाम। अरे क्या कह रहा है? कोहराम कह रहा है डाकू जी। गुंडप्पे शांत हो जा। लॉकी रख। देख मैं स्वयं इनके साथ जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दे। ठीक है, जाने दे। चलिए बंधुओं चलिए। क्या है? रामा नाक है मेरी। अम्मा। डाकू जी। अयो। क्या कह रही है? अम्मा कह रही है उठा लो। ये डाकू के घर पे क्या उठा लूं मैं? नहीं अम्मा, अम्मा भगवान से कह रही है कि उठा लो। इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि इनकी मृत्यु किसी डाकू के हाथों होगी। इससे अच्छा तो पिछले साल जो चेचक निकली थी ना, उसी में इनकी मृत्यु हो जाती। ये भगवान से कह रही है कि इससे पहले कोई डाकू इन्हें मारे, उठा लो। मैं किस बात का दंड भोगने जा रहा हूँ? एक मूर्ख पंडित के मित्र होने का इतना बड़ा दंड? ते कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। तू है तभी तो हम लोग गए। अम्मा चालू हो जा। अरे क्या चालू हो जाओ? अम्मा अम्मा एक क्षण भाई। हाँ देखो, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, मेरी युक्ति काम कर गई है। अम्मा चोर के अभिमान को बहुत गहरी चोट लगी है, तभी तो उसने मुझे अगवा करवा लिया है यहाँ पर। सोचो, जिस चोर को हम पूरे नगर में ढूंढ रहे थे, अब वो स्वयं हमारे सामने होगा ना। कोई तो जैसे वो तो हमारे सामने आएगा, हम भी किसी को ढूंढते नहीं मिलेंगे। मैं सूरज हूँ जो हाथ लगाएगा, जलकर रात हो जाएगा। मल्लू देवा। कोतवाल का सहायक गोपन्ना। गोपन्ना नहीं, मल्लू देवा। डाकू मल्लू देवा। कोतवाल क्या मूर्ख बना इसने हमें? लामा पूरे समय हमारे साथ ही था, और यही है वो जिसे हम लोग ढूंढ लेते पूरे नगर में तक के दादे। तूने सोचा भी था क्या ऐसा होता? नहीं गुंडप्पा, कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था। क्या कह रही हैं? कोई इन्हें बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? ओ पंडित रामकृष्ण, महान बुद्धिमान पंडित रामकृष्ण, कैसा लगा मल्लू देवा का ये झटका? स्वयं को बहुत बुद्धिमान चतुर सुजान समझते हो, मेरी जगह उस कोतवाल को फंसवा दिया। मेरे करे का सारा श्रेय तुमने उस कोतवाल को दिलवा दिया, और साथ ही साथ
मेरे इतने बड़े कार्य की, मेरे इतने बड़े नाम की, ख्याति की धज्जियां उड़ा के रख दी नगर में। अरे मुझ जैसे महान चोर को तुमने घटिया साधारण आम चोर बना दिया। अरे अब क्या कह रही हैं? यही कह रही हैं कि कोई ने बताएगा यहाँ चल कह रहा है। कौन है ये? ये मेरी धर्मपत्नी। और वो? ये मेरी अम्मा। और ये कौन है? ये इसे तो आप मिल ही चुके हैं, मेरा मित्र गुंडप्पा। तो अड़ोसी पड़ोसी को क्यों छोड़ दिया, उन्हें भी ले आते। अगवा हुए हो या किसी के नामकरण के भोजन समारोह में निकले हो? सुनो अम्मा। अरे अरे ये क्या है? उठा लो। अरे इतने तो उठा लाए, और कितने उठा के लाए? अपनी तलवार उठा लो। अम्मा क्रोधित हो गई। खबरदार जो इन्हें अम्मा कहा तो, कोई चोर डाकू इन्हें अम्मा कहे इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। तो बोलती नहीं क्या? नहीं, आजीवन मोहलत लगा इन्होंने। कुछ भी बताती है तो इशारों में ही बताती है। तो ठीक है, हम इनको इनके नाम से बुलाते हैं। क्या नाम है इनका? श्रीमती लक्ष्मी देवी वेंकटेश मुत्तु सुब्रमण्यम नारायण नागेश्वरम पल्लम मुक्ति जयंती वर्णम नारायण बाल सुंदरी व्यम्म करनी कुटुंब पट्टी अलकमुट्टी। क्या क्या है, क्या ये नाम है इनका? अभी रुको, आगे और भी। देव शनि वेंकटेश सुब्रमण्यम। बस, मैंने तुमसे इनका नाम पूछा था, तुमने तो पूरे राज्य की नाम सूची पढ़कर सुनाना शुरू कर दी। बस बहुत हो गया, अपंडित रामकृष्ण तुम दंड के लिए तैयार हो जाओ। तुमने मल्लू देवा के नाम की छवि के साथ जो खिलवाड़ किया है, तुम्हें उसका दंड मिलेगा रामकृष्ण। क्षमा क्षमा मल्लू देवा, महान मल्लू देवा, क्षमा क्षमा। आपसे मिलना बिल्कुल असंभव हो गया था, इसलिए मुझे जानबूझकर ऐसा करना पड़ा। अन्यथा मैं तो आपका इतना बड़ा प्रशंसक हूँ कि सदैव आपके ही पद चिन्हों पर चलने का स्वप्न देखा करता हूँ। सच्ची? क्या कह रही है? अम्मा कह रही है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते? अम्मा के पुत्र होकर एक वीर की तरह डटकर इस डाकू का सामना करने की बजाय कायरों की तरह क्षमा मांग रहे। उठा लो। अरे क्या उठा लो? अपना गिरा हुआ आत्मसम्मान उठा लो, उठा के डट कर सामना करो इस डाकू का, एक पुरुष, वीर पुरुष की तरह। अरे सरदार मल्लू देवा, आप इनकी बातों पर बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, जब से आपके कारनामों के बारे में सुना है ना, आपको ही अपना आदर्श मान लिया है। सच्ची? मैं समझ गया रामा, बहुत सही जा रहा है तू। बस ऐसे ही इसे मक्खन मलाई चिपोट कर निकाल यहाँ से सबको। मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था, आपके साथ आपके व्यवसाय में कार्य करना चाहता था, इसलिए मैंने ये प्रपंच रचा। लेकिन आपसे मिलना असंभव हो गया था, इसलिए मुझे स्वयं को पकड़वाना पड़ा, कोतवाल को भी फंसाना पड़ा। इसके लिए मैंने आपको बुरा भला भी कहा, ताकि आप क्रोधित होकर मुझसे मिले और मैं आप तक पहुंच सकूं। इतना सब केवल मुझसे मिलने के लिए? केवल आपसे मिलने के लिए मल्लू देवा, आपका शिष्य बनने के लिए। अम्मा, मुझे अपनी शरण में ले लो मल्लू देवा जी, बहुत काम आऊंगा आपके। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं? हो सकता है ये भी तुम्हारी कोई चाल हो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरी कोई चाल वाल नहीं है गुरुदेव। ठीक है, यदि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है ना, मेरे पास एक युक्ति है जिससे आपको मुझ पर शत प्रतिशत विश्वास हो जाएगा। देखिए, मैं एक ऐसी जगह जानता हूँ जहाँ यदि हमने चोरी की ना, तो हमारे हाथ अपार धन लग सकता है। मैं भी आपको उस जगह ले चलता हूँ, हम ये चोरी साथ में मिलकर करेंगे, फिर मैं भी आपकी श्रेणी में आ जाऊंगा, फिर तो आपको मुझ पर भरोसा हो जाएगा ना। अरे ये क्या रामा, तू चोरी करेगा, अर्थात तू चोर और मैं एक चोर की चोटी। बक 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 कर, शांत रह थोड़ी देर। क्या कहा? कुछ नहीं, आप कुछ कहने वाले थे गुरुवर। ठीक है, तुम मुझे उस जगह ले चल, यदि तुम्हारी उसमें कोई चाल नहीं रही और सब कुछ ठीक रहा तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, परंतु अगर तुमने मेरे साथ धोखा किया तो। अरे मैं धोखा देकर कहां जाऊंगा गुरुदेव, आप तो मुझे कहीं से भी कैसे भी उठवा सकते हैं, है कि नहीं? ठीक है साथियों, आज का पहला डाका हम वहीं डालेंगे जहां इसके अनुसार अपार धन है।
चलो। धन्यवाद मल्लू देवा, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं आपको वहाँ लिए चलता हूँ जहाँ वो अपार धन आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा, मल्लू देवा। अच्छा बस 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 बहुत रुकिए। अरे हमें यहाँ क्यों बिठा दिया? और ये पूजा क्यों? हमने आपकी लंबी आयु के लिए व्रत रखा है स्वामी। फिर से? जी। अरे हमने कितनी बार कहा है कोई आवश्यकता नहीं हमारे लिए व्रत रखने की। व्रत तुमने रखा, बिठा हमें दिया। यही बताने के लिए तो आपको यहाँ बिठाया है। आज हमारे व्रत का अंतिम दिन है, सायकाल होते होते तक व्रत की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस तब तक आपको तब तक क्या तब तक आपको यहीं बैठना होगा। कहाँ बैठना होगा? यहीं इसी आसन पर, इसी मुद्रा में। मर जाएंगे हम। अरे प्रभु नहीं, ये का नहीं। अगर आपने व्रत पूर्ण होने से पहले पलक भी झपकाई तो काल देवता रुष्ट हो जाएंगे, आप पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा स्वामी। मर जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे मती मारी गई तुम्हारी, हम नहीं यहाँ बैठने वाले। नहीं ये का मत प्रभु, ये का मत, प्रकोप टूट पड़ेगा महाकाल का। हम थक जाएंगे, सर्वनाश हो जाएगा आपका, हम बिखर जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे आप। प्रभु कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएंगे आप, सर्वनाश हो जाएगा आपका, सत्यानाश हो जाएगा स्वामी। अरे ये कैसी पति भक्ति है? भक्ति तुम करती हो, भेंट हमारी चढ़ती। पहले बताना चाहिए था ना कि शाम तक बैठना पड़ेगा। हम सब कुछ कर कर आके आते ना, अब बीच में प्रकृति का बुलावा आ गया तो हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे? थोड़ा संयम रख लीजिएगा स्वामी, और फिर ये व्रत पूजा सब आप ही की तो लंबी आयु के लिए कर रहे हैं हम। भार लगे लंबी आयु, इससे अच्छा तो मरण पूजा कर लो हमारी। शिव 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 शिव, आप क्यों हमें नरक भेजना चाहते हैं इस तरह की बातें करके? अरे नरक तो साक्षात विराजमान कर दिया तुमने यहाँ पर आसन पर बिठा करके, इससे बड़ा नरक और क्या होगा? भूख लगी है, कुछ खाने को दो। नहीं नहीं स्वामी, वो भी। वो भी क्या? जब तक आप इस आसन पर विराजमान है तब तक अन्न जल कुछ ग्रहण नहीं कर सकते आप। मरवा दिया। मुझे पगड़ी से बाहर निकाल रामा। देख रामा, मैं चेता रहा हूँ तुझे, अब भी समय है, लौट चल, बहुत बुरे फंसेंगे हम सब। चुप रहेगा वाचाल। क्या? आपको नहीं गुरुजी, स्वयं अपने मन को समझा रहा था। बड़ा वाचाल है, दिन भर बकबक करता रहता है। आप कुछ कह रहे थे मान्यवर? ये तो पताचार्य का घर है। हाँ यही तो वो घर है मल्लू जी, जहाँ से पूरे नगर का लूटा हुआ धन आपको मिलेगा। ये तो है, मुझे ये तो पता था कि ये तथाचार्य बहुत बड़ा ठग और पाखंडी है, लेकिन कभी ये विचार नहीं आया कि इसके पास से इतना धन मिल सकता है। खैर देर आए दुरुस्त आए, आज इसके घर ऐसी सफाई करेंगे, ऐसी सफाई करेंगे कि ये भी क्या याद रखेगा। चलो देखा। क्या देखा सपने में? मैंने देखा कि मैं एक मार्ग से जा रहा हूँ और एक भिखारी मेरे पास आता है और मुझसे भीख मांगने लगता है। गणी फटे हाल भूखा नंगा भिखारी। मैंने भी एक सपना देखा। क्या बात कर रहे मनी? मैंने देखा कि हमारे कपटी ठगरों के यहाँ डाका पड़ गया है, डाकू सब कुछ लूट के ले गए, सड़क पे आ गया हमारे भिखारी भीख मांगने के लिए। अरे धनी इतना क्यों हंस रहा है? सोच सोच कि मेरे सपने में आने वाला भिखारी कौन था? अरे नहीं हमारा कपटी गुरु। कहाँ पुणे होते हैं ऐसे सुहावने सपने मनी। हाँ धनी। Thank you.
मैं मल्लू देव तुम्हारे गुरु तथा आचार्य को लूटने आया हूं। ये धनी मनी? अरे प्रभु आप बस बैठी रहिए। ये धनी मनी क्यों चिल्ला रहे हैं? भूख लगी होगी, हर आधे घंटे में लगती है। अरे इतना क्यों हंस रहा है धनी? इन मूर्खों की नादानी पर हंसी आ रही है। इन्हें क्या पता कि हमारे गुरु तथा चार्य कितने होशियार कितने पहुँचे हुए आदमी हैं। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि हमारे गुरुजी ने पलंग के गद्दे के नीचे कितना धन और छुपाया हुआ है। धनी, ए मनी अंदर क्या हो रहा है? हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.